हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन यानी अनुवांशिकता एवं जैव विकास। हम जनन यानी रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं कि जनन द्वारा नए जीव यानी ऑर्गेनिजम्स उत्पन्न होते हैं। यह अपने जनक यानी पेरेंट के समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमें ये भी पता है कि प्रजनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक व अलैंगिक। अलैंगिक प्रजनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही जनक होता है, जिसके कारण इसके द्वारा भिन्नताएं यानी डिफरेंसेस कम होती हैं। लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जनक यानी पेरेंट होते हैं, इसलिए इसमें भिन्नताओं की संभावना ज़्यादा होती है। इस पाठ में हम उस प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जिसके द्वारा प्राणी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों और समानताओं को पहचानते हैं। इसे हम हेरिडिटी या अनुवांशिकता कहते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण है आपके और आपके पेरेंट्स के फीचर्स यानी हाव भाव में सिमिलैरिटी यानी समानताएं होना। अगर आपने गौर किया हो, आपका चेहरे का आकार, आंखों तथा बालों का आकार और त्वचा का रंग काफ़ी हद तक आपके परिजनों के समान होगा। हम गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाए जाने के टेंडेंसी को हेरिडिटी या अनुवांशिकता कहते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ये गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते कैसे हैं। इस विषय में डॉक्टर ग्रेगर मेंडल नाम के वैज्ञानिक ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट मटर के पौधों पर किए। उन्होंने सबसे पहले मटर के पौधे की दो भिन्न प्रजातियाँ ली, जिनमें से एक में केवल लंबे पौधे थे और दूसरे में केवल नाटे पौधे। उन सब का आपस में जनन करने के बाद यह पता चला कि अगली पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे, अर्थात नाटेपन यानी छोटे होने का गुण अपने आप को दूसरी पीढ़ी में व्यक्त ही नहीं कर पाया। इसके बाद इस दूसरी पीढ़ी के पौधे में आपस में जनन कराया गया। इसमें यह देखा गया कि सारे पौधों में से एक चौथाई नाटे थे और बाकी तीन चौथाई लंबे, यानी जो नाटेपन का गुण पहली पीढ़ी F1 में गायब हो गया था वह दूसरी F2 में लौट आया। इनको स्टडी करने के बाद यह परिणाम लंबे होने का गुण और नाटे होने का गुण दोनों अलग अलग ट्रांसफर होते हैं और आपस में मिक्स नहीं होते यह आया। साथ ही साथ यह भी पता चला कि दोनों में से एक गुण ज़्यादा प्रभावी था और दूसरा उसके रहते खुद को व्यक्त नहीं कर पा रहा था। ऐसे प्रभावी गुणों को डोमिनेंट ट्रेट बोलते हैं और अप्रभावी गुणों को रिसेसिव ट्रेट। इसके बाद स्टडी किया गया मटर के बीजों को। इसमें गुणों की भिन्नता और ज़्यादा थी। कुछ हरे और गोल थे तो कुछ पीले और झुर्रीदार। जब इनमें आपस में प्रजनन कराया गया तो ये पता चला कि अगली पीढ़ी में केवल पीले और गोल बीज मिले। इसकी अगली पीढ़ी में यह देखा गया कि आकार और रंग के जितने मिश्रण हो सकते थे वे पाए गए। इस एक्सपेरिमेंट में हमें ये पता चला कि गुण अर्थात ट्रेट आपस में बंधे नहीं होते और आकार और रंग अलग अलग इनहेरिट होते हैं। सरल भाषा में इसका मतलब यह है कि अगर एक बीज में गोलाई और रंग के गुण साथ में हैं, हरे रंग के गुण साथ में हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह उसकी अगली पीढ़ी में भी दोनों साथ में ही पाए जाएं। हमें पता है कि किसी भी नए प्राणी में जो DNA आता है वही इन गुणों का कारण होता है। यह DNA उसे उसके पेरेंट से मिलता है। DNA में गुण स्रोत यानी क्रोमोसोम्स होते हैं। गुण यानी ट्रेट इन्हीं में स्टोर होते हैं। पेरेंट से उनकी प्रोजेनी में DNA उनके सेल्स यानी कोशिकाओं के द्वारा आता है। इन खास कोशिकाओं को गैमीट यानी युग्मक बुलाते हैं। यह प्रजनन में भाग लेते हैं। किसी भी लैंगिक प्रजनन में भाग लेने के लिए वाला प्राणी गैमीट में DNA का केवल आधा भाग रहता है। वह दूसरे गैमीट से मिलके एक पूरी कोशिका बनाता है।
अब हम सेक्स डिटर्मिनेशन यानी किसी भी जीव के लिंग के निर्माण के बारे में बताएंगे। फीमेल्स यानी मादाओं में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और मेल्स में एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। वाई क्रोमोसोम साइज में छोटा होता है और डोमिनेंट होता है। किसी भी बच्चे के जेंडर यानी लिंग को इसी से डिसाइड होता है कि उसको अपने पिता से किस तरीके का क्रोमोसोम मिलता है। किसी भी प्राणी में पीढ़ी दर पीढ़ी नई नई भिन्नताएं आती हैं और स्पीशीज का विकास होता है। यह भिन्नताएं किस प्रकार आती हैं, आइए देखते हैं। सोचिए कि कीड़ों की एक कॉलोनी है। और एक पहाड़ी के एक तरफ कीड़ों की यह कॉलोनी है जिसमें ज़्यादातर कीड़े लाल रंग के हैं और उनको कौवे खाते रहते हैं। अगर इन्हीं में से एक कीड़े का डीएनए बदल जाए और उसका रंग हरा हो जाए तो कौवों के लिए पत्तियों के बीच उसे ढूंढना मुश्किल रहेगा। इसी कारण हरे कीड़ों की संख्या बढ़ती जाएगी और लाल वालों की कम होती जाएगी। इस प्रकार एक गुण एक प्राणी से बढ़कर ज़्यादातर जनसंख्या का भाग बन जाएगा। इस तरह से स्पीशीज ने अपना बचाव करना सीखा। अगर इस कॉलोनी में एक कीड़ा पीला हो जाता तो उसे कौवों से कुछ खास बचाव नहीं मिलता, इसलिए पीले कीड़ों की संख्या लाल वालों से नेचुरली कम होगी। पर अगर उस कॉलोनी से एक हाथी गुजर कर जाए और ज़्यादातर लाल कीड़ों को कुचल दे तो लाल कीड़ों की संख्या कम हो जाएगी, जिस कारण बिना किसी सर्वाइवल बेनिफिट के पीले कीड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार से एक तरह के जीन्स का बढ़ना जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी आनुवांशिक बहाव में आता है। अब अगर इसी कॉलोनी में जो झाड़ियाँ हैं उनको कोई बीमारी हो जाए और ज़्यादातर पत्तियाँ झड़ जाएँ तो कीड़ों के खाने के लिए कमी होने लगेगी और उनका आकार छोटा हो जाएगा। जब तक पेड़ और झाड़ियाँ सूखे रहेंगे तब तक कीड़ों की सारी पीढ़ियाँ छोटी और कमज़ोर होंगी, पर जैसे ही पत्तियाँ वापस आ जाएंगी कीड़े फिर से आकार में बड़े हो जाएंगे। इसका मतलब यह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जा रहा था। इसका कारण यह है कि शरीर के आकार में यह परिवर्तन डीएनए में चेंज की वजह से नहीं हुआ है और वही गुण इनहेरिट होते हैं जो डीएनए में होते हैं। जो ट्रेट डीएनए की वजह से ना होकर वातावरण की वजह से होते हैं उन्हें एक्वायर्ड ट्रेट यानी प्राप्त गुण कहते हैं, और जो गुण डीएनए के वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको इनहेरिटेड ट्रेट या वंशानुगत गुण कहते हैं। स्पीशिएशन यानी प्रजातिकरण। सोचिए अगर इस पहाड़ी के उस पार कीड़ों की दूसरी कॉलोनी रहती है और यहाँ पर कौओं को बाज खा जाते हैं। इस कॉलोनी में कीड़ों के रंग को हरे होने से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा क्योंकि उनको खाने वाले कौओं की संख्या ज़्यादा नहीं है। इसी कारण हरे कीड़ों की संख्या बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। कुछ समय में कीड़ों की इन कॉलोनीज में भिन्नताएं अलग अलग तरह से इकट्ठा होंगी और होती रहेंगी और एक समय के बाद यह इतने भिन्न हो जाएंगे कि आपस में प्रजनन नहीं कर पाएंगे। इस समय पे इन्हें अलग अलग स्पीशीज माना जाएगा। हम यह तो पता लगा चुके हैं कि स्पीशीज में समय के साथ गुणों में परिवर्तन होने से विकास या इवोल्यूशन होता है। इसका मतलब यह है कि जो नए प्राणी आते हैं वह भले ही भिन्न हो पर हो सकता है कि उनके पूर्वज एक ही हों। कई बार एक ही पूर्वज से कई प्राणियों का निर्माण होता है। इस ट्रेंड को समझने के लिए प्राणियों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया जाता है। इस क्लासिफिकेशन के लिए प्राणियों में समानताएं देखी जाती हैं जिसके आधार पर उनके बीच संबंध समझा जाता है, पर सारी समानताएं एक जैसी नहीं होती। एक उदाहरण के लिए आँखें कई जीवों के पास होती हैं पर सारी आँखें एक समान नहीं होती। ऑक्टोपस की आँखें और इंसानों की आँखों की बनावट में काफ़ी अंतर होता है भले ही वह एक ही कार्य करती हों। इस तरीके के अंग
जिनका कार्य एक है पर अलग अलग तरह के विकास और निर्माण हुए हैं, उन्हें एनालॉगस ऑर्गन या अनुरूप अंग कहते हैं। जबकि कई ऐसे जीव होते हैं जिनके अंगों की बनावट एक जैसी होती है, जैसे कि इंसान, बंदर, बिल्ली, व्हेल या चमगादड़। इन सब के हाथ और पैरों की हड्डियों की बनावट बनावटी रूप से एक समान होती है। इससे यह पता चलता है कि इनका विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। इस तरह के अंगों को जो एक ही प्रक्रिया से विकसित हुए हैं होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। विकास का मतलब हमेशा प्रगति नहीं होता। जो जीवाणु हजारों साल से एक ही जैसे हैं, वह भी जीवित रहने में उतने ही सक्षम हैं जितने जटिल जीव होते हैं। इसके साथ मैं यह बात यहीं खत्म करती हूँ।